इस एरिया को हमेशा साफ रखना, अच्छे से सजाना और फूल रोज के फ्रेश आने चाहिए। ठीक है, इस तरफ आओ, इस तरफ लाइट्स थोड़ी सी कम लग रही है, यहाँ पे लाइट्स थोड़ी बढ़ाओ। प्रसाद वगैरह भी यहीं पे रखा जाएगा। पूजा की सामग्री यहाँ इस एरिया में रखेंगे, पंडित जी यहीं बैठेंगे, तो यहाँ उनके बैठने की व्यवस्था करो। ठीक है, सब कुछ उस हिसाब से अच्छे से करना है। ठीक है, और मोदक, अगर मोदक आ गए हैं तो उन्हें बॉक्सेस में डलवा दो। आरती के बाद हम गेस्ट्स को प्रसाद के रूप में वही बॉक्सेस देंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छे से अरेंज होना चाहिए। ठीक है, जा। आंचल, हाँ? पंडित जी नहीं आए अभी तक, इतनी देर। जी मैं यहाँ हूँ। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। लेकिन आप तो... जानता हूँ गुरु जी भी आ रहे हैं। वो क्या है ना कि उनका विलम्ब हो रहा था, तो उन्होंने... क्या हो रहा था? विलम्ब मतलब देर हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पहले यहाँ भेज दिया सारी तैयारी करने के लिए, ताकि पूजा समय पर हो सके। अच्छा पंडित जी, ठीक है, तो चलिए तैयारी शुरू कीजिए। पूजा के सारे सामान आ गए? जी जी बिल्कुल। अरे सुनो आयुष, ऋषि या बच्चों में से किसी का फोन आया कि कहाँ पहुँचे, घर कब तक आएंगे? नहीं आंटी जी, हमें तो कोई कॉल नहीं आया अब तक। हम, मेरी बात हुई थी वो रास्ते में ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे कैसे। आंटी, आराम से। चोट लगी? लगी? आप आओ, आओ, आओ। आप ठीक है? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, आप हमेशा ऐसी कहती हैं और इतनी चोट लग जाती है, आपको देख कर चलना चाहिए था। मम्मा आप बैठिए, आप दिखाओ मुझे, चोट तो नहीं लगी है ना? दिखाओ। आप ठीक है ना? दिखाओ। किसने रखा मुकेश? इस तरह कार्पेट कौन रखता है? अगर मॉम को कुछ हो जाता तो? मुकेश प्लीज, आज के दिन नाराज मत हुई है ना, आज के दिन किसी को डांटिए भी मैं। इतना शुभ दिन है, हम ही थोड़ा सावधानी से रहते हैं ना, ध्यान से चीजें करते हैं। सच में आज गणेश चतुर्थी, किसी पर भी गुस्सा करके दिन क्यों खराब करना, इस शुभ दिन को अच्छे से खुशी खुशी मनाते प्लीज। दादी आप सच सच बताओ, आप ठीक हो ना? आपको चोट नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। मॉम, दादी, अरे मैं तो ठीक से भी ज्यादा ठीक हूँ, और चोट लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, न दिल पे न शरीर पे, क्योंकि अब तू जो है यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। और ना मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि तू सब कुछ अच्छे से समझती है। किसी को डांटना क्यों, और किसी को डांट के उसका त्योहार खराब क्यों करना? हम समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि काम कैसे करना है, लेकिन गुस्सा होना उस पर बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। मॉम कभी नहीं बदलेंगी, डे वन से ऐसी है, लक्ष्मी 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 बस। सीरियसली मॉम, आपको तो हमेशा लक्ष्मी अच्छी लगती है, कितनी भी गलत हुई पर आपको तो हमेशा सही ही लगेगी।